कटिंग फ्लूइड्स इन मेटल कटिंग ऑपरेशन लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो हम लोग मेटल कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेशन होता है, हीट जनरेट होती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, फ्रिक्शन एट द रेक फेज ऑफ द टूल बिटवीन द टूल और चिप एंड ऑल्सो द फ्रिक्शन बिटवीन द वर्क पीस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूल एंड देन दिस इंक्रीज द टेम्परेचर बोथ द वर्क पीस एंड द दिस इंक्रीज द टेम्परेचर बोथ द वर्क पीस एंड द टूल पॉइंट रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन हार्डनेस एंड हेंस द लाइफ ऑफ टूल। सो जो मशीन सरफेस होता है विल ऑल्सो बी अ रफ और पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डअप एच इंक्रीज। सो द यूज ऑफ कटिंग फ्लूड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन इज वेरी इसिशनल और पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द वर्क पीस टूल इंटरफेस प्रोड्यूसेस फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो ये सेवन ये पॉइंट्स इफेक्ट्स हैं, इनको हम लोग स्क्रीन आउट करेंगे, इसको एक बार रीड कर लीजिए। इट्स एप्लीकेशन एट द वर्क पीस टूल इंटरफेस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट, जिसमें कि पहला इफेक्ट था फ्रिक्शन एट द वर्क पीस टूल इंटरफेस इज रिड्यूस ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग एक्शन। फ्रिक्शन एट द वर्क पीस टूल इंटरफेस इज रिड्यूस ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग एक्शन। सेकेंड हीट इज रिड्यूस ड्यू टू कूलिंग एक्शन एट द इंटरफेस। थर्ड इज चिप्स आर वॉश्ड ऑफ। फर्स्ट फ्रिक्शन एट द वर्क पीस टूल इंटरफेस इज रिड्यूस ड्यू टू द लुब्रिकेटिंग एक्शन। सेकेंड हीट इज रिड्यूस ड्यू टू द कूलिंग एक्शन एट इंटरफेस एंड द थर्ड वन इज द चिप्स आर वॉश्ड ऑफ। सो द कटिंग फ्लूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। पहला जो इम्पॉर्टेंट है कि वो रिड्यूस करता है हीट जनरेशन। सेकेंड प्रोवाइड करता है लुब्रिकेटिंग एक्शन। थर्ड कैरीज करता है अवे द हीट जनरेटेड और सो प्रोवाइड कूलिंग एक्शन दस रिड्यूसिंग द वर्क पीस टेम्परेचर एंड डिस्टोलिशन। फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइड फ्लूसिंग एक्शंस इन वॉशिंग ऑफ द चिप्स एंड स्ट्रॉप रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड वियर विच इम्प्रूव द टूल लाइफ एंड सरफेस फिनिश रिड्यूस फोर्स एंड एनर्जी कंजप्शन प्रोटेक्ट द न्यूली मशीन सरफेस फ्रॉम द इन्वायरमेंटल कोरोजन। एंड द एट पॉइंट इज दैट प्रिवेंट सरफेस वेल्डिंग ऑफ पॉइंट्स इन हाई प्रेशर एंड दस कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ बीयूई बिल्डअप एच एंड देन फर्दर फैसिलिट चिप ब्रेकिंग इन अ सर्टेन मटेरियल्स। पहला ये था कि फ्रिक्शन एट द वर्क पीस जो कि टूल इंटरफेस रिड्यूस कर रहा है ड्यू टू लुब्रिकेटिंग एक्शन, हीट जो रिड्यूस कर रहा है ड्यू टू द कूलिंग एक्शन एज इंटरफेस एंड चिप्स आर वॉश ऑफ। सो द कटिंग फ्लूइड्स परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। पहले रिड्यूस हीट जनरेशन, प्रोवाइड करना लुब्रिकेटिंग एक्शन, कैरी करना ऑलवेज कैरी करना अवे द हीट जनरेटेड और प्रोवाइड करना कूलिंग एक्शन और रिड्यूसिंग करना वर्क पीस टेम्परेचर और डिस्टोरेशन को। प्रोवाइड करना फ्लूसिंग एक्शन इन वॉशिंग ऑफ द चिप एंड स्ट्रॉप, रिड्यूसिंग करना फ्रिक्शन एंड वियर जो कि इम्प्रूव करता है टूल लाइफ और सरफेस फिनिश को, रिड्यूस करता है फोर्स और एनर्जी कंजप्शन को, प्रोटेक्ट करता है न्यूली मशीन सरफेस और इन्वायरमेंटल कोरोजन को, प्रिवेंट करता है सरफेस वेल्डिंग ऑफ पॉइंट्स एट अ हायर प्रेशर दस कंट्रोलिंग फॉर्मेशन बिल्डअप एच एंड ऑल्सो फैसिलिट चिप ब्रेकिंग इन अ सर्टेन मटेरियल्स। सो ड्यू टू द रिडक्शन इन फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ लुब्रिकेटिंग एक्शन शेयर एंगल इंक्रीज हो जाता है, चिप प्रोड्यूस आर थिन, कटिंग फोर्स इज डिक्रीज, लेस हीट इज प्रोड्यूस और साथ ही साथ लो बिल्डअप एच। ड्यू टू द रिडक्शन इन हीट प्रोड्यूस और कूलिंग इफेक्ट ऑफ द कटिंग फ्लूड जो टूल और वर्क पीस हैं वो रिमेन्स कूलर। पर्टिकुलर दिस रिजल्ट इज मेंटेनेंस ऑफ द टूल हार्डनेस, लेस टूल वेयर और लॉन्गर टूल लाइफ, लेस डिस्टोरेशन और साथ ही साथ ईजी हैंडलिंग ऑफ द जॉब। वॉशिंग ऑफ द चिप्स हेल्प्स इन बेटर सर्फेस फिनिश एंड यूज ऑफ अ हायर
feed rate. देन पर्टिकुलर लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेशन एंड कूलिंग एक्शन ऑफ कटिंग फ्लूड्स की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द मेटल कटिंग जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन द टूल और जॉब का वो बहुत ही लार्ज होता है और ऑल्सो द रेशियो जो ऑफ रियल रियल टू अपेरेंट एरिया टू इन कॉन्टेक्ट वेरी नियरली इक्वल टू द यूनिटी. अगेन जब बात करते हैं कॉन्टेक्ट प्रेशर और टूल एट द टूल वर्क पीस के इंटरफेस की वो काफ़ी हाई होता है ड्यू टू अबव द टू फैक्टर द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन इन मेटल कटिंग कैन नेवर बी फुल फ्लूड फिल्म एंड लुब्रिकेशन और इट ओनली अ बाउंड्री लुब्रिकेशन क्योंकि इस टाइप के केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ऑफ कटिंग फ्लूड्स के आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिजिकल प्रॉपर्टी. एडिटिव लाइक क्लोरीन फॉस्फोरस सल्फर एंड फैटी एसिड इन द कटिंग फ्लूड्स रिएक्ट विद वर्क पीस मटेरियल एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट्स. दिस लुब्रिकेंट हैज अ लोअर लो शेयर स्ट्रेंथ and can withstand a high temperature. Due to this, the amount of heat generation is considerably reduced. Formation of weld between the tool or the chip is prevented and the chip shears easily in sliding. However, at the cutting speeds of more than 60 m per minute, the lubricating effects of chemically active cutting fluid is only marginal and for such a high speed cutting operations the cooling actions of the cutting fluids is to be more predominant and other than the lubrication action. तो पर्टिकुलर बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है कटिंग फ्लूड्स की तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं कटिंग फ्लूड्स की. कटिंग फ्लूड्स में क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. पहला ये होना चाहिए कि इट शुड बी वेट और सरफेस सिस ऑफ द कटिंग टूल और वर्क पीस ऑफ फॉर बेटर कूलिंग और लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होना चाहिए. गुड लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए. हाई हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई फ्लैश पॉइंट एंड ऑल्सो इट शुड नॉट डैमेज और रिएक्ट विद द मटेरियल्स ऑफ मशीन टूल पार्ट्स. इट शुड नॉट स्टेन और लीव रेजिड्यू ऑन द वर्क पीस सर्फेस. इट शुड नॉट लिमिट It should not emit toxic vapors and it should be stable. It should not get oxidized or decomposed when left in air.